तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ये सारे चीजों को हमने देखा था, चलिए क्या क्या देखा था एक बार मैं रिपीट करते जाता हूँ। फ्लूइड देखा था, इन सारे चीजों को हमने कल देखा था, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें डेंसिटी का काफी ज्यादा रोल होगा, मैंने काफी सारी चीजें डेंसिटी को लेके हम लोग देखेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। दूसरा है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने देखा था कनिकल। उसके बाद कंप्रेसिबल लिक्विड प्रेशर, एक फ्लूड कैसे प्रेशर डालता है, और प्रेशर थ्रस्ट। उसके बाद कुछ फ्रैक्चर स्टैटिक्स होता है लिक्विड का इनसाइड द सरफेस के अंदर में। फिर मैंने पास्कल लॉ को देखा था कि कैसे एक छोटा सा फोर्स अप्लाई करके हमें बड़ा सा फोर्स हमें मिल जाएगा। चलिए आज हमारा है क्लास नंबर 18। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं जो लेके आया हूँ उससे रिलेटेड। कल जो हम लोगों ने कुछ जो पास्कल लॉ पढ़ा था उसी के बेस्ड पे ये एक मैंने नॉमरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, पढ़ पा रहे हैं? देखिए उम्मीद करता हूँ पढ़ पा रहे हैं आप लोग। द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेशर इन 5 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द लार्जर पिस्टन इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स डेवलप एट द लार्जर पिस्टन व्हेन फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पास्कल्स लॉ मैंने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने देखा था एक इक्वेशन आया था हम लोगों का। इक्वेशन क्या था कि F2 = A2 / A1 × F1, ये फोर इक्वेशन था हमारा, यही था। तो ये यस सर पास्कल्स लॉ का रिजल्ट हमने देखा था, जहाँ पे मैंने क्या था A2 एरिया ऑफ ए टू ए क्या था, A1 से ये मेरा ग्रेटर देन था, ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया था। तो इसी पे बेस की ये मेरा सारा ये आज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। सबसे पहले एक हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक लार्जर पिस्टन है, एक एक स्मॉलर पिस्टन है। दो चीजें यहाँ पे देखिए, एक स्मॉलर पिस्टन और दूसरा है लार्जर पिस्टन। यानी श्योर है कि मेरा जो फिगर है, जो दो पिस्टन लगा हुआ था, यानी कल जो मैंने देखा था पास्कल्स लॉ में, कुछ इस टाइप का फिगर मेरा आएगा। चलिए मैं इसको इसी को कॉपी करता हूँ। कुछ इस तरह का फिगर आएगा मेरा। वहां पे फोर्स का अमाउंट कुछ ज्यादा था, यहाँ पे जैसे कि वहां पे मैंने थियोरेटिकली अज्यूम किया था, बट यहाँ पे जो ये F1 जो है मेरा वो दिया हुआ है 25 न्यूटन। ये जो क्या है हाइड्रोलिक प्रेशर पिस्टन, हाइड्रोलिक 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ये जो पिस्टन का जो डायमीटर है, नॉट रेडियस, इसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इस पिस्टन का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि जो मैंने 25 न्यूटन फोर्स इस पिस्टन पे लगाया, तो ये जो मेरा F2 पिस्टन पे कितना फोर्स आएगा ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो सारा यूनिट दिया हुआ है क्या मेरा सब सारा सेम यूनिट में है। देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये न्यूटन है, न्यूटन तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, यानी ये सारा जो है मेरा सेम यूनिट में नहीं है। तो क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले इन सारे को मुझे सेम यूनिट में करना होगा, अदरवाइज फिर हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे हम अटक जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। गिवन अब ये हुआ है डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन, तो डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन को मैं D1 मान लेता हूँ। D1 = 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे। क्या करना होगा मुझे, कोई हेल्प कीजिए मेरा। या फिर हाँ बोलिए, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻²² मीटर। दूसरा डी टू यानी ये हो गया डी टू एरिया इसका, और इसका एरिया मेरा डी वन है, तो डी टू मेरा क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3, या फिर मैं इसको 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 30 मुझे मीटर ही लिखना होगा। क्या ये सही है? अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो 1 × 10⁻¹⁰ कैंसिल, 0.3 हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता इसको। इसको मुझे लिखना होगा 0.3, या फिर मैं 30 लिखूं × 10⁻¹⁰ में, यहाँ पे अगर मैं −2 कर दूं तो सेम चीज है। ये सही है तो ये सही है। अब मुझे डी वन पता चल गया, यानी ए टू, ये हो गया मेरा डी वो डी टू जो है ये है मेरा ए टू, और ये है मेरा ए वन, ये वन पता चल गया, ए टू पता चल गया, अब मुझे एफ वन भी पता है, तो क्या मुझे एफ टू निकालना काफी सरल नहीं हो गया, काफी इजी हो गया। डायरेक्ट मैं जो फॉर्मूला जानता हूँ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, एफ टू इक्वल टू ए टू बाय ए वन इंटू एफ वन। अच्छा, यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है, ये जो एरिया ऑफ जो ए टू का डायमीटर है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं अगर ये एक पिस्टन है जिसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना इसका, कुछ नहीं, एक पिस्टन है मतलब ये जस्ट इस टाइप का वो फिगर है ये, तो इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है जस्ट यहाँ पे जो है इस पे देखिए ये वाला, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे टिप्पी का, इसका जो एरिया होगा मतलब ये जो सरफेस एरिया ऊपर वाले को मुझे अगर निकालना है तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर जो होगा वही इसका एरिया होगा। तो यहाँ पे ए टू के जगह पे मैं क्या लिखूं, पाई आर के जगह पे मुझे डी लिखना होगा, डी वन का स्क्वायर बाय 4, क्योंकि पाई बाई अगर मैं डी बाई 2 करूं आर को तो ये यहाँ पे मुझे 4 लिखना होगा। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे, पाई यहाँ पे डी टू का स्क्वायर बाय 4, ये 4 और कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 25। किसी को डाउट है यहाँ पे कैसे हुआ ये? जी सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ डाउट है, देखिए अब मुझे एरिया ए टू फाइंड करना है, ए टू मतलब इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2, अब यानी यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 होगा, तो डी स्क्वायर बाई 4। यस सर। सेम यहाँ पे जब ए वन लेंगे तो यहाँ पे जब ए टू रहेगा तो 2 डी 2, ए वन रहेगा तो डी वन, तो यहाँ पे ये पाई के बाद होगा डी टू का स्क्वायर बाय 4, फिर होल में क्या होगा, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ए वन का ए यहाँ पे हो जाएगा डी वन का स्क्वायर बाय 4 × 25। किसी को डाउट है? नो सर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो नहीं है? नो सर। अब यहाँ पे देखिए क्या ये नीचे का 4 और नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या डी टू का स्क्वायर बाय डी वन का स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू डी टू का वैल्यू कितना है, यानी 3 × 10⁻²। चलो मैं इसी को दोबारा लिख देता हूँ, 30 × 10⁻²। नीचे जो होगा 5 × 10⁻²× 5 × 10⁻²² × 25। कैलकुलेशन करेंगे, मैं ये भी −2 −2 −2 कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ से 6 से जाएगा और ये भी 5 यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया यानी इक्वल टू रिजल्ट जो होगा मेरा 6 × 6 × 25, जो रिजल्ट होगा वही मेरा टोटल फोर्स ऑन पिस्टन टू यानी F2 का वैल्यू मेरा निकल गया। ये जो भी हम लोग फाइंड कर रहे थे ये मेरा F2 था। हो पाएगा 900 आया। 900 आया। अच्छा 36 × 25, 36 × 25 तो 900 आया। चलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर बोलिए। 900 न्यूटन। क्या एक सवाल बहुत बहुत टफ था या बनाया जा सकता था? बनाया जा सकता था। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग हैं लेकिन रिप्लाई कुछ ही जन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ शिवेंद्र सिंह है, आदित्य कुमार है और उसके बाद कुमार अर्पित है। मैं सभी का पार्टिसिपेशन चाहूंगा क्योंकि सभी को सीखना है। तो मैं सबसे एक बार जानना चाहूंगा कि सवाल समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूँ। और एक नॉमिनल प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए चलिए इस क्वेश्चन में एक ऑफर है, जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। जो भी कोई सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सवाल इतना इजी हो सकता है, बट लेकिन उतना ही इजी है। हो पाएगा? कोई बोलिए। अच्छा चलिए मैं टाइम देता हूँ, तो आप वो बना के मुझे आंसर से बता दीजिए, ठीक है? बाकी मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, 2 से 3 मिनट। 4/3 होगा क्या सर? क्या बोले? 4/3? नहीं 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 4/3 तो नहीं होगा। यहाँ पे डेप्थ है, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, लेक की गहराई क्या है? इफ द प्रेशर ऑफ हाफ ऑफ हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल, मैंने अगर एक लेक है, चलिए मैं फिगर से कुछ बनाता हूँ। चलिए जब बना ही रहा हूँ तो कुछ एक मजेदार चीज से ही बनाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि मान लेते हैं ये मेरा लेक जो है ये पूरा ये एच है, एच है पूरी टोटल गहराई है, पूरा इतना दूर तक ये डेप्थ है। अब यहाँ पे हाफ यानी यहाँ पे क्या होगा, ये एच बाय टू पे क्या बोल रहा है, प्रेशर मेरा कितना है, 2/3 है, यही तो बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बात, अगर ये एटमोसफेयर में रखा हुआ है, अरे चलिए चलिए किसने बनाया जल्दी बताइए, इधर किसने बनाया? 20 मीटर सर। 20 मीटर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। 20.57 मीटर ना, 20 मीटर इज द राइट आंसर। बिमल 20.67 है। यस सर 20.8 एक्यूरेट, 20 मीटर आंसर होगा इसका। बिमल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बनाए आप। चलिए मैं भी बनाऊंगा, लेकिन बिमल अगर ये बिमल ने बनाया है उसको मेरे तरफ से एक गिफ्ट श्योर मिलेगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि जैसे भी हो ऑफलाइन क्लासेस होगा तो फिर मैं आपको श्योर प्रोवाइड करूंगा, और देखता हूँ अगर मैं ऑनलाइन कुछ कर पाता हूँ आपके लिए, श्योर कर बने रहिए मेरे साथ। बट मतलब बहुत ही अच्छा आपने ट्राई किया। चलिए अब मैं, हाँ कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो मैं इसको लेके मुझे कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, चलिए मैं करता हूँ, क्योंकि विमल ने बना लिया लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया, या बहुत से सॉल्व हो पाया, कुछ का सॉल्व नहीं हो पाया होगा। चलिए मैं इस पे बेसिक बेसिक कुछ फंडामेंटल चीजें हैं पहले इस शेप के ऊपर। यहाँ पे एक ऑल जब कहीं भी हो हमारे ऊपर भी एक एटमोसफेयर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पी नॉट
ऑलवेज काम करता है, ऑलवेज, और ये होता है 10 to the power 5। ये जो पी नॉट इक्वल टू जो इसका वैल्यू होता है 10 to the power 5 प्रेशर है तो इसका हो जाएगा पास्कल। ठीक है, 10 to the power 5 की मतलब प्रेशर ऑलवेज एवरी ऑब्जेक्ट की क्रिएट करता है, यानी इस लिक्विड के अपर सरफेस पे भी यहाँ पे पी नॉट एटमोस्फेयर प्रेशर काम करेगा, श्योर करेगा। तो अब यहाँ पे मैं हाफ, जब यहाँ पे हाफ डेप्थ, डेप्थ जब हाफ है तो मैं उसको क्या करूंगा, चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले क्या क्या दिया है। प्रेशर एट द टॉप, चलिए एक मिनट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्रेशर एट बॉटम ऑफ द लेक, बता पाएंगे कोई कितना होगा ये? सबसे पहले एटमॉस्फेयर पी नॉट प्लस, मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट पे कहीं भी अगर मैं प्रेशर लूं तो वो होता है कितना, एच रो और जी के इक्वल। तो यानी इस अगर बॉटम में यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करूं तो ये फॉर्मूला से मुझे पता चला कि इस पॉइंट पे प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी था ही था, बॉटम में ये मेरा प्रेशर था, ये पी नॉट प्लस एच रो जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, जी रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं प्रेशर देखता हूँ जब हाफ है तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर एट हाफ ऑफ द लेक, लेक के हाफ में यहां पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 1/2 हाफ रो जी। ठीक है, ये समझ में आया, ये हाफ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट हाफ एच इंटू रो जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर, बोलिए। नो सर, नो सर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कहता है, हाफ में जो प्रेशर है, मैंने हाफ में प्रेशर कितना है मेरा, ये पी नॉट प्लस हाफ रो जी एच, यानी हाफ में प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस 1/2 एच रो जी इक्वल टू टोटल प्रेशर का वो टू इक्वल टू 2/3, टोटल प्रेशर का वो 2/3 हो जाता है, टोटल प्रेशर मेरा कितना था, यानी 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी। इस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से मुझे एच का वैल्यू फाइंड वैल्यू मिल जाएगा। क्या इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्या आप लोग कर लीजिएगा, ये जो इक्वेशन आया आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि मुझे सॉल्व करना होगा, बोलिए, दिक्कत नहीं अगर आपको हो जाएगा सर, हो जाएगा जी सर, चलिए, क्योंकि बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग चीजों को, नए नए चीजों को सीखना है, तो इसको अगर मैं इसको क्या करना है, जैसे कि हम लोग अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद कैलकुलेशन जो होगा राइट हैंड इधर उधर ले जाएंगे, माइनस प्लस का खेला होगा, लास्ट में मेरा एच इक्वल टू आ जाएगा, लास्ट करने आएगा 2p0 बाय, जब कैलकुलेशन कर लेंगे रो एंड जी, यहाँ पे 2 into p0 का वैल्यू 10 to the power 5 मैंने यहाँ पे बता दिया, बाय यहाँ पे होगा डेंसिटी ऑफ द वाटर 10 to the power 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग 10 कॉन्सिडर करेंगे, 9.8 कॉन्सिडर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए ऑलवेज हम इसको कोशिश करेंगे कि 10 को लेंगे, अगर 9.8 बगल में लिख दिया है
कि टेक जी इक्वल टू 9.8 तब वहाँ पे 9.8 नहीं लेंगे लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे 10 लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10^5 है, नीचे 10^4 है, तो यानी ये 5 और ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 × 10 इक्वल टू 20 मीटर इज द फाइनल आंसर, द टोटल डेप्थ ऑफ द लेक इज 20 मीटर, ये मेरा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, ले लिए। अच्छा और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए इसका। गुड। चलिए अब एक नया चीज आता है हम लोगों के सामने, बाउंसी। ये क्या होता है? हमने क्लास के इस चैप्टर का स्टार्टिंग में हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जब हम कोई चीज को पानी में छोड़ते हैं तो वो नीचे चल जाता है, फिर वो ऊपर उठ के आ जाता है, ऐसा क्यों होता है ये कंडीशन? या फिर हम लोगों ने खुद के ऊपर ये फील किया होगा कि जब हम लोग पानी में छलांग लगाते हैं, जंप लगाते हैं, चाहे वो कुआं गड्ढाई गहराई बहुत ज्यादा हो, तो हमें फील होता है कि पहले नीचे की ओर जाते हैं और फिर हम ऊपर की ओर आना शुरू हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्या है, फ्लूइड में क्या ऐसा होता है कि ये टेंडेंसी हम लोग देख पाते हैं? तो देखिए ये है बाउंसी। इसी चीज के कारण कोई जब ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है तो पहले वो थोड़ा सा है, उसके बाद फिर वो ऊपर आने लगता है। तो ऊपर अगर कोई चीज अगर नीचे से ऊपर आता है, दैट मीन्स नीचे की ओर से एक जरूर कोई फोर्स काम कर रहा है। बिना फोर्स के कारण जब ऊपर से नीचे नहीं जा सकता, तो सेम कंडीशन है कि नीचे से भी वो ऊपर नहीं आ सकता है। तो ये जो नीचे से जो ऊपर की वो डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, इसी का नाम है बाउंसी। तो चलिए मैं एक बार डेफिनेशन के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। इफ ए बॉडी बी इमर्ज पार्शियली और होली, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जब पानी में थोड़ा पार्शियली मतलब थोड़ा या पूरा डूब जाए या डूबता हो, द फ्लूइड एग्जर्ट एंड अपवर्ड थ्रस्ट। हमने देखा था थ्रस्ट क्या होता है कि अगर ये कंटेनर में वाल रखा हुआ है, अगर इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएगा वही होगा थ्रस्ट, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहाँ पे पानी में डुबाया, तो यानी ये लिक्विड इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इधर भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दो फोर्स कैंसिल हो गया। बट लिक्विड तो नीचे से भी एक फोर्स लगाएगा इसके सरफेस पे, क्या अपर साइड से कोई बॉडी ऊपर की ओर उठ जाता है? कंडीशन क्या है, हम लोग जानते हैं कि लिक्विड क्या है, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे वह जिस सरफेस के भी कॉन्टेक्ट में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। तो देखिए ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जिस वजह से ये दोनों फोर्स मेरा कैंसिल हो गया, ये दोनों फोर्स मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा ये यहाँ से नीचे की ओर से एक फोर्स लग रहा है, ये भी सरफेस का परपेंडिकुलर है, जिसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। ये अपर की ओर लगेगा इसलिए इसका नाम अप थ्रस्ट, अपर की ओर काम कर रहा है इसलिए इसका नाम अप थ्रस्ट। और ये अप थ्रस्ट क्या करेगा, इस बॉडी को ऊपर की ओर धकेलेगा, यानी ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ये जो अप थ्रस्ट है इसी को बोला जाता है बाउंसी, एज एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड बाउंसी एंड द अप थ्रस्ट एग्जर्ट इज कॉल्ड बॉयनेट फोर्स। ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जब कोई ऑब्जेक्ट उसमें डुबाते हैं या कोई डूबता है, तो नीचे से जो एक अप थ्रस्ट काम करता है, ये जो लिक्विड का प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया बाउंसी। और जो नीचे की ओर से ये अप थ्रस्ट काम कर रहा है, इसी को बोला जाता है बॉयनेट फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है, जब लिक्विड में ऑब्जेक्ट जाता है तो नीचे की ओर से ये जो अप थ्रस्ट काम करता है, ये प्रॉपर्टी लिक्विड को ही कहते हैं बाउंसी। तो बाउंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई अपवर्ड फोर्स व्हेन वी सिंक ए बॉडी इन द फ्लूइड।
जब हम लोग एक बॉडी को पानी फ्लूड में डुबाते हैं तो लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, इस टेंडेंसी को या इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बाउंसी। और जो अपथ्रस्ट काम करतेगा अपथ्रस्ट को ही, यानी बॉयनेट फोर्स इज अपथ्रस्ट, बॉयनेट फोर्स इज अपथ्रस्ट। ये कुछ फिगर है आप लोगों को समझने के लिए मैंने इसे लगाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए। देख लीजिए क्या कहीं पे किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है एकदम, जैसे कि फ्लूड पानी की तरह क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाउंसी को लेकर बहुत बड़ा खेला है आगे, बाउंसी बॉयनेट फोर्स। बोलिए। नो सर, नो प्रॉब्लम। किसी को भी? आदित्य? नो सर, समझ गए सर। ओके, उसके बाद सुजय? नो सर, हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब है ये बताया कि अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कैसे काम करता है, फिर वो बॉडी को अपर की ओर कैसे लेके जाता है, क्योंकि की ओर जाता है, अपर की ओर उठने लगता है, तो आखिर ये होता क्यों? सर आपका साउंड कट रहा है। साउंड कट रहा है, एक मिनट। सुनाई पड़ रहा है? जी सर, अब क्लियर है। ओके, चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए, इस ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ पे एक क्यूब है, इनसाइड द लिक्विड के अंदर ये दबाया हुआ है, ये लिक्विड का, ये जो क्यूब का अपर फेस है, ये अपर फेस, और ये है लोअर फेस, ठीक है। ये नीचे का, ये वाला, ये है नीचे का, ये अपर फेस हो गया और ये लोअर फेस हो गया। अब यहाँ पे दोनों फेस के ऊपर में फोर्स के बारे में बात करता हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं, अच्छा दिखाई पड़ रहा है मेरा पीपीटी? यस सर, यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लिक्विड जितना नीचे होगा फोर्स अप्लाई उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, दो पॉइंट। देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कंपेयर टू यहाँ के कम होगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे एच ज्यादा है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज्यादा अप्लाई होगा, यहाँ पे एच कम है तो यहाँ पे सियोर अपवर्ड ऊपर वाला फोर्स यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, नीचे के बराबर में नहीं। अब यहाँ पे और इस डायरेक्शन के दो फोर्स के बारे में बात करता हूँ, ये एफ, ये जो एफ है और ये एफ, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और सेम प्लेन में है और एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन है में है, इसलिए ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम है। अब ये दो फोर्स के बारे में देखते हैं, F1 और F2। F1 और F2 में क्या देखना है हमें कि F1 यहाँ पे, F1 पॉइंट F1 पे कितना प्रेशर होगा और F2 पे कितना होगा। तो चलिए ये मैंने पूरा डेरिवेशन इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, एच शोन द फोर्स और थ्रस्ट ऑन ऑपोजिट वॉल ऑफ द क्यूब आर इक्वल बट ऑपोजिट ईच अदर, एच ईच अदर, ये एफ जो है, ये एफ और ये एफ दोनों एक दूसरे का ईच अदर है, जिसलिए ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाता है। अगला आता है, ये क्या हो रहा है,
प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए तो पता नहीं कुछ एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में कुछ। चलिए देख छोड़ते करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ तो ये जो एफ फोर्थ ये वाला फोर्थ ये एफ और ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब जो एफ वन ये एफ वन और ये दोनों एफ वन इन दोनों के बारे में हमें काफी सारी डिस्कस करना और सारा रीजन होता है अपर जाने का यहीं से। देखिए देखते हैं एज द डेप्थ एस टू डेप्थ का मतलब है बार बार व्हाई दिस इज देखिए ये यहाँ पे H2 as the depth H2 का मतलब है यहाँ पे ये टॉप सरफेस से H2 depth मतलब इस पॉइंट पे द बटन ऑफ द फेस इज मोर देन H1 यानी H यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ H1 यानी टॉप पे ये है टॉप फेस पे या अपर फेस पे और ये यहाँ पे है लोअर फेस पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे H1 का वैल्यू जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है यानी अगर मैं देखूँ हाइट H2 इज ग्रेटर देन हाइट H1 यानी H2 हाइट ज्यादा है तो हाइट अगर ज्यादा है जब मैं इस लिक्विड में कहीं भी बात करूँ तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है H रो एन जी ये दोनों तो चेंज नहीं होगा चेंजेस होता है मेरा H यानी H ज्यादा तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा यानी नीचे की ओर यहाँ अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो यानी पर यूनिट प्रेशर पर यूनिट यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ इस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का हाइट ज्यादा है और जहाँ पे ज्यादा हाइट होता है हम लोग जानते हैं वहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो इन दिस केस यहाँ पे हम क्या देखेंगे एफ टू भी ज्यादा होगा एफ वन के कम्पेयर में यानी एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन एफ वन का वैल्यू जो होगा वो F2 से काफी कम होगा। अब अगर ये इस बॉडी पे रिजल्टेंट अगर फोर्स की बात करें यानी F1 कम F2 ज्यादा यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ऊपर की ओर काम करेगा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा मेरा इन अपर डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर ऊपर डायरेक्शन में काम करेगा तो क्या होगा कंटिन्यूअसली इस बॉडी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेके जाएगा कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जाएगा और कब तक और फ्लूइड के सरफेस में लाके इसको यहाँ पे खड़ा कर देगा यानी सरफेस के ऊपर। ठीक है तो ये कंडीशन होता है कि ये ड्यू टू अपथ्रस्ट के कारण है कि कोई बॉडी पानी में नीचे जाने के बाद वह ऊपर की ओर आता है। क्लियर हुआ ये समझे बोलिए ये तो ये अपथ्रस्ट समझ में आया कि कैसे काम करता है ये जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट जाता है नीचे का फेस में अकॉर्डिंग टू द अपर फेस यहाँ पे वाटर का हाइट ज्यादा होता है जिस वजह से अपर डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स काम करता है यही जो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है इसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं दैट्स व्हाई अपथ्रस्ट ज्यादा होता है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आता है। अगला है ये जो अपथ्रस्ट होगा वह कितना होगा ये अपथ्रस्ट कितना होगा। अब वहां पे मैंने देखा कि अपथ्रस्ट तो होता है मैंने माना कि हाँ ठीक है अपथ्रस्ट अपर की डायरेक्शन की ओर लगता है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा बट अपथ्रस्ट का अमाउंट क्या होगा और यह किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा इस चीज को हम इस यहाँ पे देखेंगे हाउ मच अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट कितना होगा।
द अप थ्रस्ट और बॉयनेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बॉयनेट फोर्स को मैं देखता हूँ बी बी इक्वल टू, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है दैट मीन्स श्योर है इसके ऊपर एफ टू जो फोर्स लगने वाला है वो ज्यादा है। ठीक है, बॉय बी बी इक्वल टू अगर इस कंडीशन आया कि एफ टू ज्यादा होगा एफ वन से दैट मीन्स क्या होगा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा हम यहाँ से देखेंगे। अच्छा एफ टू इक्वल टू हम लोग जानते हैं अगर मैं बात करूँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर मैं यहाँ पे एफ को एफ वन लूँ और पी को यहाँ पे पी वन लूँ तो मैं यहाँ पे एफ के जगह पे लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू पी वन इंटू ए यानी पी वन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड एरिया। तो यहाँ पे पी वन इज द प्रेशर एट द पॉइंट एंड दिस एंड पी टू इज द प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट ऑफ द क्यूब देन पी वन इंटू ए माइनस पी टू इंटू ए एफ टू इक्वल एफ वन और एफ टू की जगह पे मैंने इसको प्रेशर और एरिया के फॉर्म में यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है प्रेशर और एरिया के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए एच टू के पास यहाँ पे प्रेशर को मैंने लिखा है प्रेशर कितना होगा। प्रेशर हम लोग जानते हैं प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का एच रो और जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर एफ टू है यहाँ पे तो मैंने वहां पे मैं क्या लिखूंगा एच टू रो जी, और अगर एफ वन है ये फोर होगा एफ टू के लिए, और अगर एफ वन है तो वहां पे मैं लिखूंगा एच वन एच वन रो एन जी। तो यहाँ पे मैंने जब पी यहाँ पे सॉरी मेरे दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे वन होगा ये वन होगा ये वाला टू होगा। ओके चलिए यहाँ पे क्या होगा एच वन रो जी माइनस एच टू रो जी। अब यहाँ पे ये तीनों दोनों ये चीज सेम है यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है तो मैंने उसे क्या किया कॉमन ले लिया है एच टू माइनस एच वन। अब देखिए ये जो H2 यानी H2 में H1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये लेंथ बचेगा ये वाला, और ये क्या है ये क्यूब का फेस का वन साइड का लेंथ है यानी इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब क्यूब का फेस का लेंथ है ये। तो ये आ गया मेरा I इंटू ए यानी L इंटू ए और रो इंटू जी, और हम लोग जानते हैं ये लंबाई इंटू एरिया एरिया को अगर मैं लंबाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाता है मेरा वॉल्यूम। तो ये आ गया मेरा आई इंटू ए के जगह पे मैंने इसको वॉल्यूम प्लेस किया है और ये रो और जी को मैंने ऐसे ही लिख दिया है यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ये क्या होगा वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड यानी ये ऑब्जेक्ट जितना फ्लूड को डिस्प्लेस्ड करेगा उतना ही होगा अप थ्रस्ट या बॉयनेट फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डुबाता हूँ तो वह लिक्विड को डिस्प्लेस जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके अमाउंट के बराबर ही होगा मेरा अप थ्रस्ट। ठीक है, तो अप थ्रस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मैंने जैसे कि एक गिलास में पानी लिया जस्ट एक टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी लिया यहाँ पे लिखा हुआ 5 ml यहाँ पे लिखा हुआ 10 ml यहाँ पे लिखा हुआ 15 ml जस्ट एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ ml। अब मैंने यहाँ पे पूरा ग्लास में यहाँ पानी से पूरा भरा हुआ अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को डाल दिया पहले पानी था 10 ml तक अब मैंने ऑब्जेक्ट को डालने के बाद मैंने देखा कि 15 ml हो गया यानी 15 - 10 यानी 5 ml वाटर को उन्होंने इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। तो मुझे पता चल गया कि 5 ml अगर वाटर को डिस्प्लेस किया है तो बॉयनेट फोर्स अप थ्रस्ट कितना होगा इसके इक्वल होगा यानी बॉयनेट फोर्स जो है या फिर बॉयनेट फोर्स बोलिए या अप थ्रस्ट बोलिए ये मेरा 5 क्या हो जाएगा न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हेलो सुन पा रहे हैं यस यस क्लियर है ये सर ये H2 माइनस H1 जो है वो L रिप्लेस कैसे हुआ सर और भी ओके देखिए देखिए
ये जो h2 लेंथ है इसमें क्या है, ये क्यूब का भी लेंथ है, क्यूब का भी साइड से नीचे वाला, नीचे का ये फेस है, ये नीचे का सरफेस है, ठीक है, ये नीचे का सरफेस है और ये h1 यानी अपर का सरफेस है। अगर मैं इस टोटल में से अपर का जो फेस से यानी ये टोटल खाली जगह को मैं इतना में टोटल मान के चलिए मेरे पास टोटल इतना था, इतना गला जगह में अगर मैं इतने को काट के हटा देता हूँ तो मेरे पास इतना ही बचेगा ना ये वाला। हाँ, और ये जो देखिए ये जो दो फेस का जो लेंथ होगा ये वाला बीच वाला, देखिए ये जो ये यही ना होगा मेरा लेंथ, लेंथ ए वन साइड का लेंथ और एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, इसलिए मैंने यहाँ पे भी प्लेस किया है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज को बहुत ही मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा, पी वन क्या है, पी टू क्या है, ए क्या है, फेस एरिया ऑफ द क्यूब, डेंसिटी। देखिए अच्छा यहाँ पे पी वन क्या है, फ्लूइड प्रेशर ऑन द टॉप, टॉप पे यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर डाला लगाया हुआ प्रेशर, पी टू यहाँ पे लगाया हुआ प्रेशर, एरिया ऑफ द क्यूब, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्यूब, और डी रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये जो रो है ये रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, एंड एल इज द साइड ऑफ द क्यूब एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसमें सारा चीज जो दिया हुआ है ये भी क्यूब का है, ये भी क्यूब का है, ये भी क्यूब का है, मगर डेंसिटी हम लोग किसका लिए हैं, फ्लूइड का लिए हैं। ये चीज को मुझे याद रखना होगा तभी हम अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो अपथ्रस्ट आया मेरा यह मैंने किसके ऊपर डिपेंड किया मेरा, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड करेगा उसके वेट के बराबर मेरा अपथ्रस्ट होगा। तो अपथ्रस्ट को हम कैलकुलेट करने का मेरे पास एक ही वे है, एक ही फॉर्मूला है कि मुझे ये फाइंड करना होगा कि वह उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को जिसे मैंने पानी में डुबाया उस ऑब्जेक्ट ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड के वेट के बराबर मेरा होगा अपथ्रस्ट, ठीक है। आगे देखिए हाँ बोलिए। F2 is equal to P1 into A या फिर P2 is into A होगा सर, कहाँ पे शुरू में सर, पॉइंट फोर से जो कर F2 minus F1 पे नीचे लिखे है ना सर, ना यहाँ पे P2 होना चाहिए, ये P2 होगा अगर यहाँ पे F2 को लिए हैं तो P2, ये वन होगा। चलिए ये वन होगा, ये टू है वन होगा, ठीक है। मैं जब आप लोगों के पास भेजूंगा तो मैं इसे ठीक करके भेजूंगा, ठीक है। ये भी इसको भी ठीक कर सकते थे, एक मोड लगा देते ना तो ये भी सही हो जाता, लेकिन मोड लगाने से झमेला बढ़ जाएगा, उसको नहीं लगाना, ठीक है। मैंने इसको ही चेंज किया है, यस लिटिल इधर था। चलिए ओके थैंक यू धनीराम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बॉयनेट फोर्स है या फिर अपथ्रस्ट है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा नंबर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी जिस जो बॉडी में डुबा रहा हूँ पानी में जो भी बॉडी हो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी जिस लिक्विड में डुबा रहा हूँ उस लिक्विड के ऊपर डिपेंडेड होगा, और तीसरा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन चीजों के ऊपर बॉयनेट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। बॉयंसी में किसी को क्लियर, कहीं पे कोई डाउट है, बॉयंसी या बॉयनेट फोर्स में कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। तब हम ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला ही अब है कि वेयर डज इट एक्ट, ये जो बाउंसी था मेरा, ये जो बाउंसी मैंने देखा अभी या फिर बॉयनेट फोर्स, बॉयनेट फोर्स ये कहाँ पे एक्ट करेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा। जैसे कि जस्ट आप लोगों के सामने मैं अगर एक यहाँ पे स्टिक है,
अगर मुझे एक ही पॉइंट पे इसके भार को सेंट्रलाइज करना है, यानी मैं इसको बीच में पकड़ूं, तो बीच में अगर यहाँ पे कुछ दे दूं ये ऐसे सीधा रह जाए, यानी इसके भार को एक पॉइंट पे लेके आना, इसको कहते हैं सेंट्रल सेंट्रल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अरे सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक इसके भार को एक पॉइंट पे ले आना। आप लोगों ने बहुत सारा चीज बचपन में खेला होगा या फिर अभी भी करते होंगे, पेन को अंगुली पे रख के, ठीक है, अंगुली के परपेंडिकुलर पेन को हम रख के उसको हम ऐसे रखेंगे कि दोनों साइड वेट इक्वल हो जाए। जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे यानी टोटल वेट कितना होगा हम यहाँ से पता लगा सकते हैं जब पे यहाँ पे इससे। तो ये जो अब होगा इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जो जितना भी सारा होगा उसका वेट एक पॉइंट पे लेके आ जाना, ठीक है, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम कंडीशन है को बोलेंगे सेंटर ऑफ बाउंसी। सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट कर रहा है। हाँ, इससे पहले आपका आवाज कट गया था, अब क्लियर आ रही है तो? यस सर। चलिए, कहाँ तक आप सुन पाए थे धनीराम, बोलिए जरा। सर आप जो बता रहे थे ना, दोनों का फोर्स इक्वल हो जा इक्वल होता है तो उसी से बोन से निकाल सकते हैं वहां तक, तो फिगर दिखा। चलिए ओके ओके, हाँ चलिए देखिए। अच्छा, ये जो मैंने बता रहा था कि ये दोनों साइड बैठा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लगाऊं तो क्या होगा, ये नीचे चल जाएगा, ये ऐसे नीचे घुस जाएगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो देखना होगा कि मैं इसे कहाँ पे प्लेस करूं जी, जो कि दोनों साइड ये जो है इक्वल रहे। तो मैंने देखा कि अगर मैं उसे बीच बीच में लगाऊंगा, एट द मिडिल ऑफ द जो भी है रॉड है चाहे है, उसके मिडिल में अगर लगा दूं तो वो इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स ये जो मेरा मिडिल आया इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ये जो है दोनों साइड का और इसका जो वेट है, यानी जस्ट इसी पॉइंट पे केंद्रित हो गया, यानी उस सेंटर पे वो से ही उसका दोनों ने सबका भार निकाल पाएंगे, इसीलिए उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, द थ्रस्ट ऑन ए बॉडी इमर्ज पार्शियली और होली। अगर मैं उसे पार्शियली डुबाऊं या पूरे को डुबा दूं, इन ए फ्लूइड एक्ट थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बाउंसी। चलिए मैं इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड लिया हुआ है, मैंने वहां से सेंटर ऑफ बाउंसी को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा। दिस पॉइंट इज नथिंग, यह पॉइंट कुछ भी नहीं है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका न्यूटन फोर्स होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला एक फोर्स की तरफ काम करता है और सीजीए सिस्टम में डाइन होगा। अब आइए यहाँ पे हम समझेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और सेंटर ऑफ बाउंसी को। तो फोर्स ये क्या, ये कंडीशन क्या है कि फोर्स ऑन इमर्जेंट फ्लूइड, जब एक ऑब्जेक्ट पानी में फुल्ली डूब जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या क्या होता है। टू फोर्स एक्ट एक साथ, जिसमें दो फोर्स एक साथ काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाता है, चाहे वो फुल्ली डूब जाए चाहे वो पार्शियली पानी में डूबे, तो ये लेकिन ऑल टाइम दो टाइप का फोर्स काम करता है। फर्स्ट एमजी, एमजी मतलब वेट फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स होता है, वेट फोर्स ऑफ द बॉडी विच एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी। ऑलवेज ये जो फोर्स जो काम करेगा ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही काम करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मिडिल पॉइंट जो होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बट बॉय क्या है, सीबी सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहां तक जो पानी में डूबा हुआ है, जितना भाग पानी में डूबा हुआ है इसको हम ऊपर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे वाले को, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो हम लोग देखेंगे ये नीचे वाले पे इसका सेंटर होगा,
ये हो जाएगा इसका सी बी और ये हो जाएगा इसका सी जे। एनी क्वेरीज, किसी को कुछ बोलना है? यस सर, सी बी और सी जी में सर थोड़ा। हाँ मैं उसी के बारे में बात ही कर रहा हूँ कि सी बी और सी जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए CG को हमने क्या बोला कि मिड, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो मिडिल पार्ट होगा जहां से हम उसका वेट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, उस पॉइंट को मैंने CG का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट सेंटर ऑफ बाउंसी इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सेंटर ऑफ बाउंसी निकालने के समय में या फिर फाइंड करते समय हमको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट का कितना सा पार्ट पानी के अंदर में है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक लिक्विड के अंदर ये डूबा हुआ है, बाकी ये पार्ट्स तो ऊपर में है। ऊपर वाले पार्ट्स को हम सेंटर ऑफ बाउंसी फाइंड करते समय हम लोग नहीं लेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मिडिल पॉइंट होगा एज यहाँ पे होगा या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, बट मुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा सेंटर। मतलब पानी में डूबे हुए भाग का, पानी में डूबे हुए भाग का जो मिडिल पॉइंट होगा वही होगा मेरा सेंटर ऑफ बाउंसी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों दोनों में यही डिफरेंस है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है, चाहे वह इंसान हो चाहे कोई पत्थर भी हो, तो उसके ऊपर टू टाइप्स का फोर्स काम करता है। एक होगा बाउंसी या बॉयनेट फोर्स, दूसरा होगा वेट फोर्स। बॉयनेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और एमजी वेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स की ओर होता है। दूसरा, बॉयनेट फोर्स व्हिच एक्ट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ बाउंसी। सेंटर ऑफ बाउंसी के थ्रू से ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये काम करता है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सी जी और सी बी दोनों एक ही होगा क्योंकि ये फुल्ली पानी में डूबा हुआ है। तो सेंटर ऑफ बाउंसी और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे होगा और इस पे दो फोर्स काम करेगा, एक बॉयनेट फोर्स और एक वेट फोर्स, दोनों डायरेक्शन में। क्लियर है ये? अगला आता है, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है कि सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब जब यहाँ पे देखिए सी बी कॉन्साइड विथ सी जी ऑफ द बॉडी इमर्ज इफ द बॉडी इज फुल्ली इमर्ज इन द थिंग। अगर पानी में पूरा डूब जाए ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, यानी एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि जब पानी में डूब गया तो अगर मैं देखूं तो ये इसका एक ही मिडिल पॉइंट एक ही निकलेगा। और हम लोग जानते हैं कि डूबे हुए भाग का मिडिल पॉइंट वो भी यही होगा और इस ऑब्जेक्ट का मिडिल पॉइंट यही एक होगा। इन द केस जब ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ हो तो सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होगा। अगर फुल्ली डूबा हुआ ना हो, इस कंडीशन में मैंने समझाया अगर ये कुछ पार्ट इसका पानी के ऊपर में हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बाउंसी ये दोनों एक दूसरे से चेंजेस हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी दो पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका अगर सेंटर ऑफ बाउंसी मतलब डूबे हुए भाग का अगर मैं सेंट्रलाइज करूँ तो एक अलग पॉइंट देगा और बॉडी के पॉइंट को अगर मैं सेंट्रलाइज करूँ तो वह अलग पॉइंट देगा। तो जब पार्शियली अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ हो तो उसका सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर डिफरेंट, बट जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली पानी में डूबा हुआ हो तो सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर इन सेम पॉइंट। सर एक और कंडीशन भी तो हो सकता है इसमें, अगर वो कितना इमर्स्ड है वाटर में, उसका डेप्थ क्या है, उस पर भी तो डिपेंड कर सकता है। वो फुल्ली मतलब वो उसके अंदर है लेकिन कितना डूबा हुआ है उसका हाइट पर भी तो उस सेंटर सी बी और सी जी डिपेंड हो सकता है। क्यों डिपेंड, कैसे डिपेंड होगा एकदम? आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द माने हाइट डेंसिटी एंड एनी अदर थिंग्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डिपेंड करे, वो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट।
ये इसका डेंसिटी क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, सीजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं सीजी के बारे में बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, या तो वो लिक्विड के बाहर हो या लिक्विड के अंदर हो, उसका सीजी कभी भी चेंज नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट का सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी चेंजेज नहीं होगा, चाहे वो लिक्विड के बाहर हो या लिक्विड के अंदर में हो। ठीक है, चेंजेस सिर्फ होगा सीबी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर फुल डूबा हुआ हो, फुल डूबा हुआ हो तो टोटल का मैं हाफ निकालूंगा, मिडिल पॉइंट। अगर पार्शियली अगर डूबा हुआ हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, पार्शियली अगर यहाँ पे डूबा हुआ है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो डूबा हुआ, मैं ऊपर वाले को भूल जाऊंगा, ये कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, उस समय इसका सेंटर सीबी का पॉइंट भी बदल जाएगा मेरा। सीबी तो एंड हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर वो जो ब्लॉक है वो अगर मतलब कि डूबा हुआ ऑलरेडी है ही, लेकिन और ज्यादा डेप्थ में हो, तो उस पर भी क्या सीवी चेंज होगा या एक ही रहेगा सीवी? नहीं, एकदम हाँ एक सेम रहेगा। अगर वो पानी के अंदर फुल्ली डूबा हुआ है, तो ये अगर सपोज कीजिए ये यहाँ पे है ना, अगर ये जो सरफेस अगर यहाँ पे जस्ट सिर्फ डूबा हुआ रहता, इस टाइप का रहता, तो भी इसका सीबी और सीजी एक ही पॉइंट पे होता। अगर मैं एक दूसरे यहाँ पे लूं, यहाँ पे एक पॉइंट लूं, ये जो इस ऑब्जेक्ट का सीबी और सीजी, और अगर मैं यहाँ पे बॉटम पे लूं एक कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका सीबी और सीजी दोनों सेम पॉइंट पे होता है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ बॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का, जो सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट को जब मैं सेंट्रलाइज करूंगा तो उसका वेट वन पॉइंट पे आ जाए, तो उस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला था। तो ये चाहे पानी के ऊपर हो, चाहे वो पानी के नीचे हो, कहीं भी हो, वो तो सेम होगा, उसका कहीं वो चेंजेस नहीं होगा। ये ना डेंसिटी, इसको ना डेंसिटी इफेक्ट करेगा, ना इसको एच जो है वो इफेक्ट करेगा, इसलिए यह इन चीजों से कोई रिलेशन रखता ही नहीं है। ये देखेगा कि वो कितना पानी के अंदर डूबा हुआ है, इमर्जेंट है, और कितना बाहर है, ये सारी चीज यही इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये मेरा सीबी। और सीजी तो ऑलवेज सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब इसी कंडीशन पे, ओके हाँ, ये जो बॉयनेट फोर्स को मैंने देखा, इसी कंडीशन पे हम लोग अब हम देखेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी रिलीज्ड इनसाइड द फ्लूइड। जब हम एक ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं, तो कई तरह से वो ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता है। एक तो फुल्ली फुल्ली वो पानी में डूब जाएगा, दूसरा पार्शियली, आधा ऊपर में रहा आधा नीचे रहा, और एक होगा क्या ऐसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे डाला तो वो पानी में जाने के बाद वो ऐसे हो जाता है, मतलब इस टाइप का हो जाता है और इस टाइप से फ्लोट करता है, मतलब वो मुड़ जाता है, घूम जाता है, ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इन सारे कंडीशन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं जो बृहस्पतिवार का जो क्लासेस है उस क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, दूर तक रखते हैं सेंटर ऑफ बॉन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। मैं इसका भी पीपीटी आप लोगों को आज भेज, हाँ पीपीटी मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आइएगा। लेकिन ये सब सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉन्सी, उसके बाद अपवर्ड फोर्स, बॉयनेट फोर्स, अप थ्रस्ट, इन सारे का कॉन्सेप्ट एकदम सबके दिमाग में पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। मैं जो बृहस्पतिवार का क्लास में देखिएगा, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज बोलिएगा, मैं इसी को मैं और एक क्लास में रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा, तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है मुझे, और वहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, तो हम वहां पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बेसिक फंडा है ये, इन सब चीजों को आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फ्लूइड मैकेनिक्स को आप नहीं समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, क्लास आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। यस चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।